हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। ये हमारा नेक्स्ट व्लॉग है। हम आ जाए हैं चुनार किले में। तो मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं आर्मी की वैन है, और यहाँ पे पुलिस वुलिस सब लोग हैं पूरा हमारी देखभाल के लिए, सब कुछ के लिए। और ये चुनार किला का बोर्ड लगा हुआ है। चुनार किला खुलने का टाइम सुबह 7 बजे है, और बंद होने का टाइम शाम 5 बजे है। और दिखाते हैं कैसा है ये चुनार किला। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ आया था, तो मतलब उस टाइम धूप थी तो उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी बारिश हुई है कुछ देर पहले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से अंदर जाने का ये रास्ता है, तो ये चुनार किला है। आइए अंदर लेके चलते हैं आपको। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे का। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश हो जाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। उस टाइम ज़्यादा धूप थी जब मैं आया था पिछली बार, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मज़ा आने वाला है। आइए देखते हैं नदी का जो चुनार किला जो है दक्षिण दिशा में स्थित है। ये देखिए पूरा आइए गाइस, हम आपको चुनार किला के अंदर का पूरा दिखाते हैं कैसा है। अभी काफी अच्छा लग रहा है वैसे मुझे। वैसे यहाँ पर कोई टिकट प्राइस वाइज नहीं है, आप आ सकते हैं आराम से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किला को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है, और अच्छे से रहना है, कोई भी गलत गतिविधि नहीं करना है। ये है मेन किला। और फिर वही अपने हिंदुस्तान की खास बात कि यहाँ पर टेम्पल भी है एक। आइए गाइस, हम आपको इसको पूरा पीछे का भी व्यू दिखाते हैं। अभी तो सब मतलब बंद ही है, और इससे कई सारे राज जुड़े हुए हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है, मैंने सुना है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि ये डरावना भी है, और जो कि यहाँ के लोगों के टूरिस्टों का ध्यान देते हुए इसको बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए पीछे से, ये हम पीछे आ चुके हैं किला के, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ये किला है हमारा चुनार किला। वैसे अभी ये इतना बंद कर दिया गया है, जब हम पिछली बार आए थे तो ये उतना बंद नहीं था। ये मतलब सब कई सारी चीजें खुली हुई थी। आइए आपको इसके अंदर का थोड़ा सा दिखाते हैं, जितना खुला हुआ है जितना मुझे है। और इसके अंदर देखिए, ये इसके अंदर हम जाते हैं, ऐसे दिख रहा है और मेरी आवाज गूंज रही होगी। ये है पूरा चुनार किला। अभी इतना ये खुला है, लेकिन पता नहीं क्यों साइड वाइड का बंद कर दिया गया है। आइए दूसरे साइड से बाहर निकलते हैं। ये है चुनार किला। ये हम दूसरे साइड आ चुके हैं। आइए हम बाहर निकल रहे हैं। ये सब नीचे जाने का रास्ता था जो कि बंद कर दिया था। व्यू अच्छा लग रहा है। और मेरे स्कूल का यहाँ पे टूर भी आया था, तो उस टाइम मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उतना। ये है पूरा, देखिए ये देखिए पूरा सीढ़ी बनी हुई है। आइए दूसरे साइड लेके चलते हैं आपको किला में। यहाँ पे इधर ये कुआं काफी एक बड़ा था मुझे याद है, देखते हैं अब वो कहाँ है या बंद कर दिया गया है। अच्छा हाँ, ये क्या है, वही तो कुआं है ये। आइए फिर, डर लग रहा है मुझे मेरा मोबाइल ना गिर जाए। ओहो, दैट्स व्यू। वैसे यहाँ कुएं के थोड़ा लग रहा है साफ सफाई नहीं किया गया, और वही अपना अपनी पब्लिक जैसा कि यूपी बिहार में होता है, बॉटल फेंक दिया गया है, प्लास्टिक, क्या ही बोलूं मैं। ये चुनार किला का कुआं है, काफी बड़ा कुआं है। ये देखिए, आइए आपको पूरा व्यू दिखाते हैं अंदर का। ये बर्ड्स वर्ड्स भी यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छे से बोल रही हैं, जो कि काफ़ी नेचुरली फील हो रहा है। आइए अंदर लेके चलते हैं, अंदर देखा जाए क्या है।
और हम ये अंदर पहुंचने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ हम लोग आके फोटो शूट कराए थे उस टाइम, तो उस टाइम ये पुल नहीं बना हुआ था जो उधर बना है, जो हमको दिख रहा है पीछे, तो अब बन गया है तो काफी अच्छा लग रहा है। भाई ये तो अच्छा लग रहा है इधर। ये अंदर से ये दिखाते हैं एक चीज, यही वो पुल है अभी तो, इधर भी नया ही बना है ये देखिए। अब मैं आपको ये पुल जूम करके दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं। अभी हम लोग को बताया गया है ये कैसा पेड़ है यहाँ पे, ये देखिए, मतलब अच्छा लग रहा है ना। ये महुआ का तो नहीं है, वैसे मैंने महुआ का पेड़ देखा है, ऐसा ही होता है, ये उसका तो नहीं है, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अब हम आपको दिखाएंगे चुनार का पुल। ये चुनार किला आपको दिख रहा है, मैं वहां से इस पुल को दिखाने की बात कर रहा था और मैं अभी इस पुल पे हूँ।